आइए हम प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। अपनी आंखों को बंद करिए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तू महिमा और आदर के योग्य है। परमेश्वर, तू ही ज्योति है। परमेश्वर, जिसने हमारे अंधकार को दूर किया। परमेश्वर, बुद्धि तू देता है, ज्ञान तू देता है, समझ तू देता है। परमेश्वर, दया कर। परमेश्वर, तने हमारी आत्मा को जिंदा किया, मन को नया किया। परमेश्वर, दया कर। आज के वचन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इस सब भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूँ। परमेश्वर, इनकी बुद्धि खोलिए ताकि ये वचन इनके जीवन में काम करे। परमेश्वर, और जो तूने परमेश्वर मेरे अंदर वचन डाले वो मैं अच्छी तरह बता सकूँ, ऐसी अपनी अगुवाई में मुझको लेके चलिए पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आलस की दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, अविश्वास की दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ और समझ की आत्मा को इस कलीसिया में लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। हम सब कहेंगे जोर से तालियां बजाइए। पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने लिया है उत्पत्ति 18 23 और 24। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से समझिए। स्क्रीन पर आएगा उत्पत्ति, जेनेसिस 18:23-24। फिर इब्राहिम ने समीप आकर कहा, क्या तू सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों का भी नाश करेगा? कदाचित नगर में 50 धर्मी जन हो, क्या फिर भी तू उन्हें नाश कर देगा? क्या उन 50 धर्मियों को जो उसमें हैं बचाने के लिए उस स्थान को सुरक्षित ना छोड़ेगा? ये इब्राहिम किससे कह रहा है? यहां पर परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया, जिसने इब्राहिम को चुना। और इब्राहिम परमेश्वर के मन को जानता है कि परमेश्वर कैसा है। यहां पर बात हो रही है किसी के नाश होने की, किसी को बचाने की, हालेलुया। अगर हम इस वचन की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो यहां पर परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर उतार आया है सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए। सदोम और अमोरा दो ऐसे नगर हैं जहां पर परमेश्वर के विरुद्ध काम होता था, जहां पर बुराई सर उठाकर जी रही थी, हालेलुया। किसी को शर्म हया नहीं थी, किसी को डर नहीं था, हालेलुया। शैतान वहां पर काम कर रहा था और लोगों की दुहाई परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर वहां पर उतर आया। इब्राहिम परमेश्वर का चुना हुआ बच्चा था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इब्राहिम का बच्चा, इब्राहिम का भतीजा लूत सदोम में रहता था। इब्राहिम को उसकी चिंता थी, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इब्राहिम पूछ रहा है कि क्या सदोम और अमोरा में अगर 50 लोग भी धर्मी होंगे तो क्या उन 50 लोगों के लिए तू उस सदोम और अमोरा का नाश नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहां पर कहते हैं, अगर हम आगे बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, अगर वहां 50 लोग होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा, हालेलुया। यहां पर हम लूत की कहानी को समझते हैं, क्योंकि लूत परमेश्वर का चुना हुआ है। बाइबल कहती है वो धर्मी है और वो सदोम और अमोरा में जो भी होता था उससे बहुत दुखी था। वो बहुत दुखी था कि वहां पर बहुत गलत काम होता है, बहुत ही गंदा काम वहां पर होता है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दुखी था। लूत की दो बेटियां थी, एक पत्नी थी और वो सदोम में रहते थे, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इब्राहिम को पता था कि सदोम में मेरा भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रहता है, इसलिए वो कहता है कि अगर वहां 50 लोग भी धर्मी होंगे तो क्या उन 50 लोगों की वजह से तू उनको छोड़ देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि लूत वहां रहता था, वो धर्मी था, लेकिन वो औरों को धर्मी नहीं बना पाया, औरों को प्रभु के बारे में नहीं बता पाया। होता क्या है मेरे भाई, हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम समझते हैं कि हमें वचन आते हैं, हम समझते हैं कि हम वचन पर चल रहे हैं, हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम समझते हैं कि हम कलीसिया जाते हैं और आशीष पाते हैं, हालेलुया, इतना ही बहुत है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारा पहला ध्येय है। सदोम में रहते हुए लूत एक भी शख्स को धर्मी नहीं बना पाया, एक भी इंसान को धर्मी नहीं बना पाया। वो रोता था, वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर
वो दुहाई देता था कि सलोम में क्या घिनौना काम हो रहा है प्रभु, लेकिन वो अपनी बात, परमेश्वर की बात, परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन वो अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, यहां तक कि बाइबल बताती है कि जिन लड़कों से उसने अपने अपनी दोनों बेटियों की मंगनी की थी उन दामादों को भी वो पूरी तरीके से बता नहीं पाया। इसलिए इब्राहिम शंका में था कि क्या लूत ने वहां 50 आदमियों को इकट्ठा कर लिया होगा, लूत की वजह से क्या 50 आदमी प्रभु को जानते होंगे। फिर वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, अगर 5 कम कर दिए जाए तो 45 आदमी अगर वहां धर्मी होंगे तो क्या लूत ने 45 आदमियों को धर्मी बनाया होगा। और करता करता वो 10 आदमियों पर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, आज जिस संसार में हम रहते हैं, हम एक नए जीवन को पाए हुए हैं, हम नई सृष्टि को पाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम रहते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? हम तो जान गए परमेश्वर का वचन क्या है। देखिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तब रहता है जब आप उसको दूसरे तक लेकर जाते हैं। वो एक बीज है। परमेश्वर का वचन एक बीज है जो आपके अंदर आ गया। अब वो पौधा बनना चाहता है, लेकिन हम उसे पौधा नहीं बना रहे हैं। हेलो, आप समझ रहे हैं? आप उस बीज को, लूत उस बीज को अपने अंदर लिए हुए था, तड़पता था। वो जानता था यहोवा महान है, वो जानता है परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, वो जानता है कि हम दुहाई देंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, लेकिन वो अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने दामाद को ये बात बताने में सफल नहीं हो पाया। कभी कभी हम संसार में रहते हैं और हम संसार में रहते हुए हम संसार से इतना प्यार करने लगते हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमें छोड़ते हुए डर लगता है, हमें छोड़ते हुए लगता है कि नहीं यार, अगर इनको छोड़ देंगे, हमारा संसार है, हो सकता है हमारी संसार, हमारी माँ हमारे प्रभु को नहीं जानती हो, हमारा पति नहीं जानता हो, पति हमारा पिता नहीं जानता हो, भाई नहीं जानता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें जब वो वक्त आता है तो हमें उन्हें छोड़ने में दुख होता है। आज बाइबल आपको क्या बताती है? वो कीमत जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो उद्धार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, वो सारे रिश्तों से ज्यादा कीमती है। उसके सामने कोई रिश्ता नहीं है। एज़ेकियल की पत्री में लिखा हुआ है कि अगर आपका पड़ोसी ईशु को जाने बिना मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप है, हम है। सिर्फ उद्धार पाना, ईशु को जानकर घर में बैठना ही नहीं है। हमारा जीवन अपना नहीं है। शैतान क्यों काम करता है? क्योंकि हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो जीवन नहीं जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। 34:12, भजन संहिता 34:12 निकालिए, फिर हम इसी कहानी पर आएंगे दोबारा। भजन संहिता 34:12-13। हालेलुया। हमें कैसा जीवन मिला है, हमें क्या मिला है, उसको समझने की बहुत जरूरत है आज। मेरे पास है क्या? मेरे पास कौन सा खजाना है? बोली बहन, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। वचन कहता है कि वो कौन सा मनुष्य है जो जीवन की अभिलाषा करता है, दीर्घायु चाहता है ताकि वो भलाई देखे। अगला, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। कौन मनुष्य करेगा? कौन मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करेगा? कौन मनुष्य,
हम विश्वास करते हैं कि हमको अनंत काल का जीवन मिला हुआ है। हालेलुया, कितने विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, जो कि बहुमूल्य है, सबसे ज्यादा कीमती वही है जो आपको मिल चुका है। अब वो कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। वचन क्या कहता है? अभी उस अनंत काल के जीवन की सुरक्षा आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अपनी जीभ का उपयोग, अपने मुंह का उपयोग, अपने समय का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, अपने शरीर का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जीभ आपसे आपका आशीष छीन सकती है, आपका गलत बोलना आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जा सकता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, जो आपको मिला है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। 18:21 नीति वचन 18:21, आपके जीभ पर, आपकी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, दोनों है आपके पास। हम जहां पर रहते हैं, हमारे घर के सामने ऑटो रिक्शा स्टैंड है और एक बस स्टैंड भी है। मैं रोज सुबह, हमारी वाइफ, मेरी वाइफ देखती है जब वो बनाती है सुबह चाय वगैरह, हमारी खिड़की से दिखता है एक बच्ची रोज ऑफिस जाते हुए, वो अपने हाथ में एक बोतल में पानी लेकर आती है और वहां पर छोटा सा बर्तन पड़ा हुआ है, जो रिक्शा स्टैंड है, छोटा सा बर्तन पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, वहाँ लोग दाने डालते हैं, दाने, ताकि पक्षी आकर चुगें। तो वो बच्ची रोज आती है और रिक्शे में बैठने से पहले अपनी बोतल खाली करती है और उस बर्तन को भर देती है। किसके लिए भर देती है? ताकि पक्षी आकर पानी पिए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसी वो बच्ची चली जाती है, एक ऑटो रिक्शा वाला आता है, ड्राइवर, वो उस पानी को लेता है और अपने स्कूटर को धो देता है। और ये एक दिन नहीं, ये रोज होता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कि उस लड़की का नजरिया जिंदगी के लिए क्या है और उस आदमी का नजरिया जिंदगी के लिए क्या है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसे पता है कि लड़की आती है यहां पर, डालती है पानी, वहां पक्षी भी आते हैं, लेकिन वो आदमी अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि उसको यह एहसास है कि मेरा ऑटो कैसे शुद्ध हो जाए, मेरा ऑटो कैसे साफ हो जाए, उसकी कमाई कैसे हो। मेरे भाई, नजरिया हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, कि हम यीशु को देखते कैसे, हम चर्च को देखते कैसे, हम जो अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हैं हम उसको देखते कैसे कि उसकी वैल्यू क्या है, हम जो अपना समय बिता रहे हैं, हम, हमारा नजरिया क्या है उस समय को बिताने में। आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है। आज मैं जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं या प्रभु से मांग रहा हूं, तो मेरा नजरिया क्या है? क्या मेरा नजरिया परमेश्वर के वचनों को फैलाने का है, या मेरा नजरिया उस ज्ञान को प्राप्त करके अपना मान और सम्मान बढ़ाने का है? प्रेज द लॉर्ड। वो अनंत काल का जीवन जो मुझे दिया है, उसका कैसे मैं उपयोग करूं? हालेलुया। आपका नजरिया क्या है? चर्च में आने का आपका नजरिया क्या है? यीशु को देखने का आपका नजरिया क्या है? घर में जब आप हैं तो आपका जीवन बिताने का नजरिया क्या है? एक शादीशुदा जिंदगी किसी के लिए बहुत बड़ी कीमती है, बहुत कीमती है कि नहीं यार, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, और किसी के लिए छोड़ो यार, एंजॉय करो लाइफ को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आप पर डिपेंड करता है।
आप अपने जीवन को कैसे बिताते हैं और आप अपने मसीह जीवन को कैसे बिताते हैं। लूत प्रार्थना कर रहा था लेकिन उसका जीवन लोगों के लिए साक्षी नहीं था, साक्षी नहीं था उसका जीवन। जब दो सरदूत वहां पर आए कि हम सदोम और अमोरा को नाश कर देंगे, उसको लूत उनको अपने घर पे ले गया कि नहीं मेरे घर आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा, रात को रुकूंगा और चले जाऊंगा, आप चले जाइएगा। वहां के वासी रहवासी आए, उनको जब पता लगा दो अलग नए युवक आए हैं, वो खटखटाने लगे क्योंकि उनके अंदर गलत भावना थी। लूत निकाल बाहर इनको, हमें इनके संग गलत काम करना है। लूत बाहर आया और उसने कहा कि मेरी दोनों बेटियां कुंवारी हैं, मैं उनको तुम्हें देता हूं लेकिन मेरे घर में जो अतिथि आए हैं उनको कुछ मत करो। लेकिन वहां के जो लोग थे इतने गलत थे, उनका नहीं लूत हमको समझाने की कोशिश मत कर, हमको वो दो आदमी चाहिए। क्या हुआ? जब दरवाजा पीटने लगे, जब हल्ला मचाने लगे, उन स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर लिया और जितने भी वहां पर लोग खड़े हुए थे उन सबको अंधा कर दिया। वो दीवार ढूंढते रहे, प्रेज द लॉर्ड। और उसने लूत से कहा, लूत परमेश्वर की आज्ञा है कि इसको नाश कर दिया जाए, इस शहर को, जितने तेरे सगे संबंधी उनको ले और चला जा। जेनेसिस उत्पत्ति 19 का 12, 12 से 16, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका जीवन बच चुका है। अगर लूत का कहना उसका पड़ोसी मानता, उसका उद्धार निश्चित था। प्रेज द लॉर्ड। उसका आशीष निश्चित था, यानी कि आपकी वजह से आपका पड़ोसी बच सकता है। उसने क्या कहा? लूत, जितने भी तुझे जानने वाले हैं, जो तेरा कहना माने, जिनको तूने परमेश्वर के बारे में बताया है, उनको बोल निकल जाए यहां से, मैं उनको बचाऊंगा। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, क्या आपका प्यार इतना है कि आप उनका जीवन बचाएं? परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमारे अंदर क्यों है? ताकि हम वो प्रेम सामने वाले भाई बहन के अंदर डालें, ताकि उसका जीवन बच जाए। लूत जानता है कि यहां ऊपर से आग बरसेगी और सदोम वगैरह खत्म हो जाएंगे। सरदूत ने कहा कि अपने दोस्तों को, अपने दामादों को, जिसको भी है, जिनको तू जानता है, उन सबको लेकर यहां से निकल जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको कितने बचाया है? आप कितनों को बचा चुके हैं अभी तक? परमेश्वर आपसे पूछेगा हिसाब, आपने कितनों को बचाया, कितनों को आपने जीवन दिया, कितनी आत्माओं को आपने वचन सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। अगला, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। इसलिए कि उनकी चिल्लाहट, किनकी चिल्लाहट? जो यहां पर हैं, यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें उसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। वो चिल्ला तो रहे हैं। क्या जब सदोम अमोरा के लोग चिल्ला रहे थे कि हमें बचा यहां से, यहां पर शैतान का राज्य, हमें बचा, प्रेज द लॉर्ड, हो सकता लूत उनको बता ना सका हो कि तुम सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण कर लो, उसके सामने समर्पित हो, वही तुम्हें बचाएगा। आज हो सकता आपके भाई, हो सकता आपकी बहन, हो सकता आपका जीजा, हो सकता है आपकी बहन, आपका दोस्त,
दुख में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, नाश हो रहे हो, मेरी बहन हमें उनको बताना जरूरी है कि एक ही वो नाम है जो उन्हें आशीष दे सकता है, एक ही वो नाम है जो उनका उद्धार कर सकता है, एक ही वो नाम है जो उन्हें अंधकार से उठाकर ज्योति में ला सकता है। मेरी बहन मेरे भाई ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा रिश्तेदार हो सकता है मुझसे दूर चला जाए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे आपका रिश्तेदार अंधा है, आपकी बहन आपकी मां अंधी है, क्योंकि वो उस जीवन को नहीं देख पा रही है जिसे आप देख रहे हैं, जिस जीवन को आपको दिया है। आप अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या फायदा उस प्यार का कि जब आप उठा लिए जाएंगे और आपकी मां का अंत हो जाएगा, वो नरक में चली जाएगी, आपकी बहन का अंत हो जाएगा, वो नरक में चली जाएगी, क्या फायदा ऐसे प्यार का। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं मेरा बच्चा चर्च में नहीं आ रहा है, आप कहते हैं मेरा दोस्त, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरी भूपड़ी, मेरी नना चर्च में नहीं आ रही, मैं क्या करूं। मेरी बहन आप सच्चाई जानते हैं, जब यीशु आएगा कहीं ऐसा ना हो कि यही लोगों का जो मनोभाव है, इनके लिए जो आपका मोह है, कहीं आपको भी ना रोक ले यहां पर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। इसीलिए यीशु कहता है संसार से अपने आप को अलग करो। आपका क्रूस क्या है? यही तो आपका क्रूस है कि संसार से अपने आप को अलग करो। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। हमारा क्रूस क्या है? हमारा प्यार हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए क्या है? हमारा प्यार उनके लिए है कि वो प्रभु को जाने, जो जीवन हमने पाया है वो भी पाए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं है, अगर हमारे अंदर वो साहस नहीं है, अगर हमारे अंदर वो स्थिरता नहीं है, मेरी बहन आप खतरे में हैं, कहीं आप उस मोह माया में पड़कर पीछे ना हट जाएं, नमक का खम्मा ना बन जाएं आप। कुछ नहीं कर पाया लूत, जब उसकी बीवी नमक का खंबा बन गई, कुछ नहीं कर पाया वो, कुछ नहीं कर पाया। 14वां। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिसके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसके दामाद उसका ठट्टा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, कौन नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो अपने दामादों को भी कन्विंस नहीं कर पाया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आपके धर्मी होने का क्या फायदा। प्रेज द लॉर्ड। कल को अगर भविष्यवाणी होती है और परमेश्वर आपके मन से बात करता कि मैं आने वाला हूं, और आप अपने पति को बताएं कि प्रभु आने वाला है, कलीसिया में आओ, प्रभु के हो जाओ, और अगर आपका पति, आपका दामाद, आपका बेटा, आपका बेटी आपकी बात को हंसी में उड़ा दे, मेरे भाई, और आप जान रहे हैं कि उनका अंत है, गलती किसकी है? गलती उन दामादों की नहीं है, गलती लूत की है, क्योंकि लूत अपने जीवन के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा अपने दामादों को इंप्रेस नहीं कर पाया कि नहीं, जो दूत कह रहा है वो सच्चा है, हम जो कह रहे हैं सच्चे हैं, हमने यीशु को अपनाया है, हमारी गवाही हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को नहीं मिल रही है,
इसलिए वो अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए वो हमारी बात को ठट्टे में उड़ाते हैं, इसलिए वो हमारी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मसीह बनकर नहीं जी रहे हैं। हम कलीसिया में तो आते हैं मसीह बनने के लिए, लेकिन जो छह दिन हैं जो घर में रहते हैं हमारे अंदर यीशु नहीं दिखता उनको, इसलिए उसके दामाद ठट्टा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भाई, आपकी बहन, आपका पिता, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अगर आपका प्रेम आपकी बहन को स्वर्ग लेकर जाएगा तो आपकी गवाही सच्ची है, तो आप एक नई सृष्टि में हैं। पंद्रवा, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियां को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। अब देखिए इस वचन को देखिए, ये बात की पहले दिन, अभी दूसरा दिन है। हेलो, अभी दूसरा दिन है। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा फुर्ती कर, यानी कि वो जाना नहीं चाहता है। लूत अभी भी उस मोह माया में फंसा हुआ है, वो निकल नहीं पा रहा है अपने दामाद को, अपने दोस्तों को। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत कहते हैं फुर्ती कर, यहां से निकल। वो अनाउंस कर चुके हैं कि इस नगर को हम भस्म करने वाले हैं, परमेश्वर ने हमें भेजा है सत्यानाश करने के लिए, लेकिन लूत उनको छोड़ नहीं पा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु आएगा मेरे भाई इस बादलों पर सवार होकर, हम जिसकी आशा में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, इसीलिए अभी भी देर नहीं है। अपने कम से कम अपने रिश्तेदारों को बताइए, अपने पड़ोसी को बताइए, कहीं उसकी मोह माया आपको खींच ना ले। लूत बैठा हुआ है, सुबह का वक्त है, एक रात पहले स्वर्गदूत ने बताया, स्वर्गदूतों को लाया हुआ है, वो जानता परमेश्वर कौन है, लेकिन फिर भी उसका जाने का मन नहीं कर रहा है। आगे देखिए, पर वह विलंब करता रहा, पर वो विलंब करता रहा। आमेन। जिसके लिए प्रार्थना कर रहा था कि ये सदोम अमोरा, यहां पर घिनौना काम होता है, यहां पर अधर्म है, वो परमेश्वर से रोता था, प्रार्थना करता था, फिर भी वही रहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम संसार का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर इशू है आप कहेंगे नहीं, इशू मुझे घर है मेरा, अरे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तो मेरा अभी अकाउंट खोला है उनका, अभी तो मैंने उनकी ड्रेसेस ली हैं, अभी चले जाऊंगी मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने संसार से अपने आप को निकाल कर यीशु मसीह में बांधा ही नहीं है। हमारा जीवन प्रभु का है, हमें हर पल समझना, हमें प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना है। इसलिए अपने पड़ोसी से अंगीकार करिए कि मैं यीशु का हूं। रोज अपने आप को बताइए कि मैं यीशु का हूं। ये टेबल, मेज, ये कुर्सी, ये टीवी, ये फ्रिज, ये इसका मोह मेरे अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु का हूं। यीशु आएगा मैं इमीडिएट जाऊंगा। वो विलंब करता रहा। किसके लिए विलंब करता रहा? क्या था वहां पर? आप अगर सदोम अमोरा के बारे में जानते, क्या था वहां पर? शैतान, घिनौना, अधर्म। मेरे भाई आप नहीं जानते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम मसीह में हैं, हम समझते हैं कि वचन है, हम वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं हम,
लूत की कहानी हमने पढ़ी है कई बार, लूत की बीवी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, योहन्ना के बारे में पढ़ा, यीशु के बारे में पढ़ा, हम जानते हैं काहे बगल। मेरे भाई, जानना और समझने में बहुत फर्क है। हमें उस जीवन को जीना है जो यीशु मसीह ने दिया है। आपके लिए वो सिंहासन, आपके लिए वो जीवन, आपके लिए वो रैप्चर सबसे महत्व होना चाहिए। अपनी मां पिता से बढ़कर भी यीशु आया और हम जाने के लिए उतावले हो। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु आने तक हम बताएं, वो क्यों विलंब करता रहा? कहीं ना कहीं वो सोच रहा होगा कि यार, अगर मैंने दामाद को बता दिया होता, अगर मैंने अपने रिश्तेदार को बता दिया होता, हो सकता है उस रात उसने सोचा होगा, नहीं यार, जो मैंने अब तक नहीं किया वो अब मैं करूंगा। आमीन। हो सकता है रात को जब सरदूत ने बताया होगा कि हम इसको खत्म करने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो लूत ने सोचा होगा, नहीं नहीं सुबह उठते ही मैं बताऊंगा, प्लीज कन्विंस करूंगा, दामादों निकलो, है मेरे दोस्तों निकलो। लेकिन मेरी बहन, बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। हम लोग यही सोचते हैं, आज नहीं तो कल, कल हम सुसमाचार के लिए जाएंगे, कल हम बताएंगे, कल हम अपने दोस्तों को बताएंगे, कल हम आत्माओं को जीतेंगे। नहीं बहन, क्या पता हमें वो कल का दिन ना मिले। जैसे लूत को कल का दिन नहीं मिल रहा है, वो विलंब कर रहा है। हो सकता है उसकी जानने वाली कजन सिस्टर 300 किलोमीटर दूर बैठी हो और उसने सोचा कि नहीं यार, मैं वहां पर जाऊंगा और उससे बोलूंगा, चल मेरी बहन मेरे साथ चल, यीशु आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है और सदोम अमोरा का नाश करने वाला है, चल मेरे साथ। लेकिन उन्होंने कहा, विलंब कर रहा था। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। बाद में वक्त नहीं मिलेगा, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कहें अभी तक मेरी बेटी नहीं, चलो कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, दो हफ्ते बाद आ जाएगी, नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, नहीं, आज ही है समय, आज ही है। वो विलंब करता रहा और दूतों ने उसका, उसकी पत्नी का हाथ, देखो दूतों को उसका हाथ पकड़ना पड़ा क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी। हालेलुया। आप उस दृश्य को देखिए, परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपको बचाएगा। लेकिन आपका, आपका, इसीलिए पौलुस बोलता है, आनंद करो हर पल में, हर जगह पर, हर स्थिति में आनंद करो। क्योंकि अगर आपके अंदर आनंद होगा, दुख में भी आनंद होगा, सताव में भी आनंद होगा, तो यीशु के आने में आप विलंब नहीं करेंगे, इमीडिएट आप जाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए हर पल आनंद करो। प्रेज द लॉर्ड। उस सरदूत को हाथ पकड़ना पड़ा और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल का जीवन हमारे हाथ में है, परमेश्वर का आशीष हमारे हाथ में। देखिए इसी का 19 का 23 से 26 के बीच में देखिए लूत की पत्नी क्या करती है। 19 का 23 से 26। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। आमीन। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश, यानी कि भोर होने से पहले स्वर्गदूतों ने उसको निकालकर बाहर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो समय आ गया था। परमेश्वर अपने समय पे काम करता है, जब उसका समय निश्चित होगा उस समय में वो काम करता है। हालेलुया। आगे, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आगे, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। और उन नगरों को, संपूर्ण तराई को, नगरों में बसने वाले निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। आगे,
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। क्या कहता स्वर्गदूतों ने, पीछे मुड़कर मत देखना। आपका उद्धार सुरक्षित कब है? जब आप संसार में नहीं जाएंगे। आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे आपके जीवन में खतरा है। वो जीवन आपको शैतान याद कराएगा, अरे यार कितना अच्छा था यार। कभी कभी लोग सोचते हैं यार कि हम सब कुछ अय्याशी कर लें, सब कुछ कर लें, लास्ट में हम अपना मन फेरा लेंगे। ये बातें आपको सुलाएंगी, इन बातों से आपको नींद आएगा, लेकिन यही सच्ची बातें। जिस दिन प्रभु आ गया, जिस दिन यीशु आ गया मेरी बहन, उस दिन आपको लगेगा कि मैंने पहले क्यों नहीं पास्टर की बात को माना, पहले वचनों पर मैंने क्यों नहीं एतबार किया। ये सुनाएंगी बातें आपको, आपको खुद कहना यीशु मसीह से, नहीं परमेश्वर मुझे सोना नहीं है। यहां पर अगर आपको लगता है आपको नींद आती है ना, वचन शुरू होने से पहले आंखें धोकर सोइए, बैठिए, पानी पीकर बैठिए, नहीं, क्योंकि ये जो वचन है ये बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। इनको समझना बहुत, दुनिया की हर चीज से ज्यादा इनको समझना जरूरी है। स्वर्गदूत, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। लूत की पत्नी को, लूत को हाथ पकड़ के निकाला, उसके बाद भी उसकी पत्नी पीछे रह गई। हो सकता है उसकी सहेली हो सकता है उसका कोई संस्था हो जहां किटी डालती होंगी, हो सकता है आज किटी की पार्टी हो, किसी घर से जाना हो कि आज यार कल तो वहां परसों मेरे आए थे, आज उसके यहां जाना, किटी पार्टी है यार, 5,000-5,000 रुपए किटी आज निकलने वाली है और आज ही नाश हो रहा है। कहीं ना कहीं लूत की पत्नी का मन लगा हुआ था उसमें, और इतना ज्यादा मन लगा हुआ था कि वो अपने मोक्ष को नहीं देख रही थी। वो उस मोह माया में कि मेरी ये दोस्त, मैं वहां की संस्था की अध्यक्ष हूं, अरे यार आज तो मेरा भाषण था, आज तो मैं स्पीच देने वाली थी सबके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं उसके मन में सदोम था, प्रभु नहीं था, वो चेतावनी नहीं थी। देखिए, अगर आपके अंदर संसार रहेगा आप परमेश्वर की चेतावनियों को अनसुना कर देंगे। शैतान आपके अंदर से निकल, अरे नहीं यार क्या होता है यार, कौन सा वो आज आने वाला है यार, कर लेंगे पश्चाताप, शैतान यही कहेगा। अरे दूसरे भी तो पाप करते हैं यार, थोड़ा हमने कर लिया तो क्या हुआ। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है अपनी जीभ पर लगाम दो। अपने जीभ को कैसे उपयोग करना है तुम्हें, उसके बारे में सोचो कि आप अपनी जबान से, अपने जीवन से, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपको बता चुका हूं कई बार, परमेश्वर की महिमा आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर की महिमा आपको सुरक्षा देगा। बीमार है, कुछ भी है, स्तुति आराधना करो, बीमारी अपने आप निकलती जाएगी, अपने आप कष्ट निकलते जाएंगे, अपने आप बंधन निकलते जाएंगे। आपका मोह माया आ रहा है, स्तुति आराधना करना शुरू कर दो घर में। आपके बच्चों को बुद्धि अपने आप मिलेगी, पति को बुद्धि मिलेगी। ये मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। प्रभु में रहिए, कहीं काम कर रहे हैं प्रभु में रहिए। आपको लगता है कि मैं जहां काम कर रही हूं वहां पाप है, कोई ना कोई भाई बहन उसके द्वारा मैं पाप में पड़ने वाली हूं, स्तुति करिए, आराधना करिए, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप अगर जीवन देंगे तो आपको जीवन, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। आपके मुंह से अगर जीवन की बातें निकलेंगी, प्रभु की बातें निकलेंगी, इसका मतलब प्रभु आप में है। वो सुसमाचार जिसमें सामर्थ है, सामर्थ अगर कुछ भी अगर किसी में है तो वो सुसमाचार में है।
आप प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाइए। रोमियो 1:16-17 में लिखा हुआ है कि सुसमाचार परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर के सुसमाचार में है। इसलिए अगर आप चाहते हैं वो सुसमाचार आपके जीवन में काम करे, प्रभु की स्तुति, प्रभु का सुसमाचार, प्रभु के वचन दुनिया के साथ बांटिए, 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 सुबह से शाम तक बांटिए, यीशु का नाम लीजिए, अपने आप बंधन खुलेंगे आपके, अपने आप बंधन टूटेंगे, आपके बच्चों को बुद्धि मिलेगी, प्रभु के वचन पर चलिए। ये नहीं कि दूसरों को बता रहे हैं आप और खुद नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 10 साल तक चर्च जाते रहो, कुछ नहीं होगा। बहुत ऐसे हैं, वो समझते हैं हमें सब कुछ आ गया, खुद दूसरों को बता रहे हैं, खुद पे नहीं चल रहे हैं। यही तो फारिसी थे। हमें कुरिन्थियों की पत्री क्या कहती है, हमें खुद को निहारना है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 9:27 क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। पौलुस क्या कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, कहीं सबको उपदेश देता रहता मैं ही आजमाइश में ना जाऊं। यही हो रहा है, हम दूसरों को उपदेश देते हैं, अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों कर? नहीं, हम अपने आप को देखें, हमारी जीभ से कोई गलत बात ना निकले। रोमियो 3:23 और उसके बाद रोमियो 8:1 निकालिए। आपको जो परमेश्वर की महिमा मिली है उस महिमा की कीमत को समझिए, आपको जो जीवन मिला है उसकी कीमत को समझिए। और मेरी बहन, जिस दिन आपने उस कीमत को समझना शुरू कर दिया ना, बाकी सारी चीजें आपके लिए बेमायनी है, उनकी कोई कीमत नहीं है। जिस दिन आपने उस कीमत को समझ लिया, क्या लिखा हुआ रोमन 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर ने हमको नया किया और अपनी महिमा हम में डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि अगर आपके अंदर पाप है तो परमेश्वर की महिमा नहीं है, और अगर आपके अंदर पाप नहीं है तो क्या है, परमेश्वर की महिमा आप में है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारे पास जब परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया, नया जीवन किया, तो परमेश्वर की महिमा हमारे साथ है। अभी रोमियो 8:1 पढ़िए, देखिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप मसीह में हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वनस्पत, क्या आप आत्मा में चल रहे हैं? अगर मसीह में होने के बाद भी आप शरीर में ही चल रहे हैं, शरीर के ही काम कर रहे हैं, शरीर के कामों में आपको आनंद मिल रहा है, आत्मा में आपको आनंद नहीं मिल रहा है, जांचिए, ये आपको जांचना है। आपको किस में आनंद मिल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें क्या है, आपकी स्थिरता के लिए हैं, ताकि प्रभु के आने पर आप स्थिर पाए जाएं। वो जब भी आए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं एक योद्धा की तरह। तिमोथियुस को बोला था पौलुस ने, एक योद्धा की तरह रहो। एक सैनिक हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। उसके सामने दुश्मन नहीं है, कभी दुश्मन आने वाला यह भी नहीं पता, लेकिन ही इज अलर्ट। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कमर को सत्य को कमर की कमर में बांधो, धार्मिकता की झिलम को पहनो। यानी कि तुम उद्धार का टोप पहनकर आत्मा की तलवार से परमेश्वर का वचन पहनो, पैर में सुसमाचार के जूते पहनो और विश्वास की ढाल लो। निरंतर प्रार्थना करते रहो, इफिसियों 6:18। निरंतर, संडे के संडे नहीं, निरंतर प्रार्थना में रहो। आपका धंधा चल रहा है, प्रार्थना में रहो।
6:18 एफिसियों 6:18 निरंतर, ये हमारा हथियार है, यही तो हमारी शक्ति है, निरंतर प्रार्थना बहन आपको विजय कराएगी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, कोई प्रार्थना सीखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा बोलिए यीशु मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे अंदर रहिए, यीशु मुझे बताइए मैं कैसा जीवन जीऊं, दया करिए, यीशु में हमेशा रहिए, उसको जानने की कोशिश करिए, उसके अंदर रहिए, उसको कहिए मेरा हाथ लेके चल परमेश्वर, मैं कोई गलत ना करूं, प्लीज परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आपको पता है परमेश्वर कितना दीन है? वो कहने के लिए दीन नहीं है, वो दीन है, वो हम्बल है, नम्र है, इसलिए स्वर्ग से जमीन पर आ गया आपके लिए। उसको जानिए वो कौन है, वो इतना नम्र है, इतना पवित्र है, फिर भी वो आपसे इतना प्रेम करता है कि स्वर्ग से जमीन पर आ गया आपके लिए। वो इतना दीन है, वो इतना आपसे प्रेम करता है, अपने चेलों के पैर धोए उसने, परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों 5:20 परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि उसे जान लो। वो इतना दीन है, वो कहता है मेरे बच्चे मुझे जान, मुझे अपने अंदर रख, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरे अंदर की हर दुविधा को अंधेरे को दूर करना चाहता हूं, मुझे अंदर तो आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर द्वारा विनती कर रहा है। हमारे द्वारा विनती कर रहा है। कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, क्योंकि वो नम्र है, क्योंकि वो दीन है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको जानने में ही आपकी भलाई है, आपकी सुरक्षा है मेरी बहन। कुछ मिले ना मिले, यीशु मुझे मिल गया है। इस सत्य को अपने अंदर रखिए। हमको स्वर्ग में क्या लेके जाना है? यीशु को। इस धन दौलत को नहीं लेके जाना है, ये कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। इसलिए रोज चेक करो मेरे अंदर इशू है कि नहीं है। बैंक बैलेंस चेक मत करो कि मेरे अकाउंट में कितना है, मेरी जेब में कितना है, नहीं, मेरे दिल में इशू है कि नहीं है। उसकी कीमत को समझिए आप। एक औरत को 9 महीने के बाद बच्चा होता है। रेज द लॉर्ड। क्यों होता है 9 महीने के बाद? परमेश्वर चाहे तो 1 महीने में हो सकता है। कुछ मुश्किल है परमेश्वर के लिए? 1 महीने में हो सकता है। क्यों 9 महीने में बच्चा होता है आपके? परमेश्वर चाहता है उसकी कीमत को समझे। 9 महीने आप उसके संग जिंदगी जीती हैं, उसका उठना बैठना आप महसूस करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 9 महीने तक आप उसमें बस जाती हैं। इसके बाद जब 9 महीने के बाद वो निकलता है, तब वो आपको आपका अंश लगता है। यस, मेरी सांसें हैं, मेरा लहू है इसमें, मेरा शरीर का टुकड़ा है इसमें, तब आपको एहसास होता है। वो कीमत परमेश्वर की है। हमें आराम से उद्धार मिल जाता है, लेकिन मेरी बहन उसकी कीमत को समझिए। वो जो हमें मिल चुका है कहीं हमसे चला ना जाए। ये मोह माया में लूत की पत्नी खंबा बन गई,
उस मोह माया के चक्कर में कुछ काम नहीं आएगा, ना पैसा, ना मान सम्मान, ना मकान, कुछ नहीं आएगा, रिश्तेदार कुछ नहीं आएंगे। लूत की पत्नी कोई बचा पाया? उसके रिश्तेदार कोई बचा पाया? नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी हमारा है ही नहीं उसके बिना। एक ही सच्चा रिश्ता है, एक ही सच्चा रिश्ता है, और वो है पिता परमेश्वर यीशु का हमारे साथ। आज आपका पति आपके साथ है, बहुत प्यार करता है, कल को आपका पति चला गया, आप रोएंगे, खत्म रिश्ता थोड़ी, आप क्या मर जाएंगे? हालेलुया। एक ही रिश्ता है जो अनंत काल के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उस रिश्ते की कीमत को समझिए, उसके प्यार को समझिए। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए अलर्ट कर, अपने आप को सचेत करिए। लूत की जीवन से सीखिए, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करिए। कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ बाइबल पढ़िए, अरे जो उसमें लिखा है उसके अनुसार जिंदगी जिए। अपना संसार बढ़ाने के लिए ही प्रार्थना मत करिए, प्रभु का संसार बढ़े मेरे जीवन से। अभी बरसातें शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग कम आएंगे। बहुत बरसात थी पास्टर, बहुत बरसात थी, कैसे आते घर से निकलते? अरे भैया नौकरी में जाते हो? अरे नहीं, नौकरी में तो जाना पड़ेगा सर, नौकरी पे तो जाना पड़ेगा सर, नहीं जाएंगे तो? अच्छा, नौकरी पे जाना पड़ेगा क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो घर के? अरे मेरे भाई, ईशु नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैं जब परमेश्वर का दास बना था, नया नया विश्वासी बना था, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, मेरे जूते फटे होते थे। और यहाँ से समझिए आप, यहाँ से अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो विरार स्टेशन, इतना दूर था मेरा चर्च, पैदल जाता था, भीगता हुआ। जिस दिन पैसे होते थे बीवी को लेके जाता था, जिस दिन नहीं, बीवी घर में अकेला जा रहा हूँ। कभी नहीं छोड़ा चर्च मैंने, आंधी आए, तूफान आए, कोई आए ना आए, मैं खड़ा हो जाता था। शायद परमेश्वर को मुझ पर तरस आया और उसने मुझ पर कृपा की और मुझे चुन लिया। आपका समर्पण आपको आशीष देगा, आपका समर्पण। आप कैसे करते हैं, आपका नजरिया क्या है? दान दशांश निकालने के लिए भी लोग सोचते हैं, प्लीज ब्रदर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, प्लीज। वो परमेश्वर का है, जो भी आपको मिलता है उसका दसवां हिस्सा प्रभु का है। आप कहीं जाइए, चाय आपको 10 रुपए की मिलेगी। अभी भी लोग ऑफरिंग में 5 का सिक्का और 10 का सिक्का डालते हैं, 2 रुपए का सिक्का डालते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं आपके, उसको इज्जत और मान दीजिए। हम उसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। वो श्रद्धा से दीजिए, अपने बीज को अपने हाथ में रखिए और धन्यवाद दीजिए, प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं तेरे राज्य में बो रही हूं, तेरा राज्य बढ़े। समर्पण, प्यार उसमें आना चाहिए, चिंता नहीं। कह रहे यार अभी दशांश निकालना पड़ेगा, अभी ऑफरिंग निकाल, नहीं नहीं इससे अच्छा मत दीजिए, दिल से दीजिए, प्रभु का राज्य है। धन्यवाद कि परमेश्वर तूने मुझे योग्य बनाया। मैं आपको बोल रहा हूं, कभी कमी घटी नहीं होगी आपको। हालेलुया।
Praise the Lord. इसलिए विश्वास करिए और परमेश्वर के चरणों में समर्पित करिए अपने आप को. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर आपको आशीष देगा. आज का वचन समझ में आया? वचन अच्छा लगा? बोलिए यीशु मसीह की. बोलिए यीशु मसीह की.